बाद जब से अब स्कूल्स को लेकर हमने देखा कि कोरोना की सेकेंड वेव ने भी हिट कर दिया है पाकिस्तान को ऐसा ऐसा, तो बड़े लोग अब ये सवाल पूछे, क्योंकि पिछले दिनों बातें चल रही थी ना कि जैसे वो कहते थे सियाहत की बहुत सारे मकामात बंद कर देंगे, तो हो सकता है 15 अक्टूबर से स्कूल भी दोबारा बंद हो जाए। मुल्क भर में तालीमी इदारे तो शपात खोल दिए गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से जो वायरस में फैलाव का खतरा है ना, वो भी मंडरा रहा है। सिंध में मॉनिटरिंग एंड एविएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में, एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त सूरत हाल तश्वीशनाक है, जिसके मुताबिक सूबे भर में 44,984 स्कूलों में तदरीसी अमल जारी है और 2,108 तालीमी इदारों ने सिरे से SOPs पर अमल दरामद ही नहीं किया। बिल्कुल, स्कूल्स और कॉलेजेस में ना तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, सामाजिक फासले का भी ख्याल नहीं रखा जाता जी, और SOPs के खिलाफ वर्जी पर महज 40 स्कूल बंद किए गए। और इसी तरह सरकारी और प्राइवेट जामियात में भी कोरोना के खतरा से निपटने के लिए बार बार SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की जा रही है, लेकिन वफाकी वजीर तालीम ने सोशल मीडिया पे कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, और शफकत महमूद ने एक ट्वीट की और अपनी इस ट्वीट पर उन्होंने वाजे कर दिया कि आप स्कूल जाएंगे जाएंगे और आपको SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद करना ही पड़ेगा।